Bite of Joy mein aap sabko bahut bahut khushamdeed. For English, please follow written instructions. Aaj hum banayenge chicken cutlets. Aur bahut si mazedar recipes ke liye subscribe karna na bhuliyega. Ek pan mein aap 2 tablespoon makhan dal dein. Agar aap chahein to aap tel ya ghee ka bhi istemal kar sakte hain. 1 tihai cup bari kati hui hari mirchein aap isme dal dein. और इसे 1 से 2 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर अच्छी तरह से पका लें। 2 कप आप इसमें श्रेडेड चिकन डाल दें। चिकन को हमने थोड़े से नमक में उबाल दिया था। 3 सूखी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। तमाम चीजों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें आप 2 कप उबले हुए और मैश किए हुए आलू डाल दें और साथ ही में इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चूल्हे को अब हम कर देंगे बंद और तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करने रख देंगे जब तक कि ये छूने लायक हो जाए। कटलेट्स बनाने के लिए हमें ब्रेडक्रम्स और अंडों की जरूरत होगी। हमने यहाँ पर पैन को ब्रेडक्रम्स का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो रेगुलर ब्रेडक्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अंडों में आप 1 टेबलस्पून पानी डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट लें। अब हाथों में इसे दबाकर आप इसे कबाब की तरह बना लें। कबाब सारे एक जैसी साइज के बनकर तैयार हों इसलिए हमने आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल किया है। कटलेट्स को अब हम पहले अंडों में डिप करेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से ब्रेडक्रम्स में पूरी तरह से कवर कर लेंगे। अब इसी तरह से आप तमाम कटलेट्स तैयार कर लें। अगर आप चाहें तो इसे 2 से 3 दिन के लिए एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में भी रख सकते हैं। इस रेसिपी से आपके तकरीबन 15 मीडियम साइज कटलेट्स बनके तैयार होंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें बाइट साइज भी बना सकते हैं। तेल को अब हम एक फ्राइंग पैन या कढ़ाई में गर्म करने रख देंगे। अब कटलेट्स को हम तेल में डाल देंगे और इसे दरमियानी आँच पर हम तब तक पकाएंगे जब तक कि एक साइड से ये पूरी तरह से पक नहीं जाते। जब नीचे से ये ब्राउन हो जाए तो हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे पूरी तरह से पका लेंगे। अगर कबाब को आप तेल में फ्राई करने के बजाय एयर फ्राई करना पसंद करते हैं तो कबाब का पहले ऑयल से स्प्रे कर लें, फिर इसे आप एयर फ्रायर में 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 18 से 20 मिनट्स के लिए बेक करने रख दें। एयर फ्रायर में भी ये कबाब बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। चिकन कटलेट्स को आप टमेटो केचप या फ्रेश लेमन के साथ सर्व करें। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। इन कबाब का फ्लेवर हमारे दूसरे रोज़मर्रा के कबाब से बहुत ही मुख्तलिफ है। अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। याद रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।